मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि मुझे ये मदर टेरेसा अवार्ड्स अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही जुड़ते रहूँ हर एक चीज़ों में। अभी मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं हमारे एरिया में कलीना एरिया में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे 115 डॉग्स को अपने तरफ से फूड खिलाता हूँ रोज़, और फिर 25 कैट्स लोगों को, फिर गरीब लोग की मदद करता हूँ, ये सब अपने तरफ से करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही जुड़े हो और हर एक की हेल्प करो। तो डॉग्स लोगों को तो खाना खिलाता नहीं है, बेचारे को उन को मार के भगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ें करो। पर अरे बहुत अच्छे इंसान है, और ये आप लोग हमेशा इनके साथ जुड़ो रे ऑफ होप में, क्योंकि ये बच्चे लोग की हेल्प करते, बच्चे लोग की मदद करते, पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ करते, गरीब लोग की हेल्प करते। तो जो भी अच्छा है, जुड़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ इधर आए, इनसे कांटेक्ट करें, और हर एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले नमस्ते सभी को, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी एडवर्ड जी का, जिसके नाम में ही होप है और जिसके नाम में उम्मीद है। जब उम्मीद और होप मिलता है तो एक समाज के लिए अच्छा काम होता है। तो मैं एडवर्ड जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हम जैसे सामाजिक कार्य वालों का एक प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उनको एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। जब वो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को ऑनर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो दिल से थैंक यू। और ये सिर्फ हमारा रिश्ता सिर्फ अवार्ड से नहीं है, बहुत सालों से हमारी एक अच्छी दोस्ती है, और इंशाल्लाह हम साथ में ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे और सोसाइटी को अनकंडीशनली सर्व करते रहेंगे। सो दिस इज़ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज का अवार्ड का सक्सेस देख के, क्योंकि जो लोग ने अच्छे काम किए उन्हें हम अवार्ड से नवाजा है, उनको भी देखकर और खुशी हुई हमें। सिस्टर लोग आए थे अलग अलग कॉन्वेंट के, जिन्होंने लॉकडाउन से लेके, लॉकडाउन छोड़िए, हमेशा अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। बहुत सारे सोशल सर्विस वर्कर्स थे जो आए हुए थे, जिनको अच्छे काम की वजह से अवार्ड दिया गया। वी थैंक द ऑर्गेनाइजेशन रे ऑफ होप फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड अवार्डिंग अस। वी आर बिलोंग टू हेल्पर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ द हेल्पर्स ऑफ मेरी कॉन्ग्रेगेशन। वी आर वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन हु आर ऑफन, वी आर वर्किंग फॉर द डेस्टिट्यूट्स एंड आवर बाल भवन हैज बिगैन 1972, it is 50 years, and our old age home began 1969. So we thank God for all this opportunity, and we thank each one of you. Thank you. God bless you. We, the Kanoshin sisters, daughters of charity, are really very happy today and feel so encouraged to be here present at this marvelous occasion. Here people encourage one another to really love everyone without distinction of caste or creed. A real great love for the poor, for the abandoned, the underprivileged. Thank you. It's with immense joy and gratitude. Reaching out to them with love. We graciously accept the honor we receive today. God bless the endeavor for the social activities we conduct at St. Catherine's Hope. Congratulations. We are indebted to Ray of Hope NGO for their support and help. Give to the people in need. Ray of Hope name lifts its name by giving hope to the poor and the needy, reaching out to them with love and compassion. May God bless their endeavors to serve the humanity with love and care. Congratulations to Mr. Edward and the team for the excellent service they give to the people in need. Thank you. वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे ज़्यादा पुरानी तो मुलाकात नहीं है, लेकिन पिछले महीने ही मुलाकात हुई थी, तो कुछ ऐसा चर्चा चला कि ऐसा ऐसा करके हम लोग ये करने वाले हैं अवार्ड फंक्शन, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। बीच में थोड़ा सा एक पोस्टपोन हुआ, बट आज जो हुआ तो ये जो अवार्ड मिला, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मदर टेरेसा को नमन करता हूँ हाथ जोड़ करके। उसके बाद रे ऑफ होप के जो फाउंडर ट्रस्टी एडवर्ड परेरा जी हैं, उनको अपनी तरफ से और अपने एनजीओ कैंसर कंट्रोल मिशन की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर के जो सम्मान प्यार ये चीज़ मिली, वो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे इंसान है जो इस तरह के वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं और करते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक स्टेज मिलता है लोगों से मिलने जुलने का और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। और हम करते क्या हैं,
हमारा एनजीओ का क्या मकसद है, हम लोग जैसे मेरा कैंसर कंट्रोल मिशन है, हम लोग कैंसर को कंट्रोल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, स्कूल्स में कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जरिए हम उनके घर वालों तक, रिलेटिव्स तक, नेबर्स तक अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं ताकि लोग कैंसर को जान सकें और उससे अवेयर रह सकें। दूसरा क्या, हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो इतने मतलब ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो हमारा एनजीओ उनको टिल ट्रीटमेंट तक हेल्प करता रहता है कंटिन्यू, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा, वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल का हो, यदि हमारे पास फाइल आई हुई है तो हमारा एनजीओ उनको पूरा सपोर्ट करता है। लगभग 300 प्लस कैंसर पेशेंटों को अब तक हम मदद कर चुके हैं, उसमें से बहुत सारे जो है अच्छी तरह से ठीक होकर के अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी।